बीते 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। इस जीत के बाद ही भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। आज भारतीय हॉकी टीम पंजाब के अमृतसर पहुंची। भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों का पूरी गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। अमृतसर में उनके स्वागत के लिए उनके परिवार के सदस्यों के साथ राज्य के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, लास्ट टाइम भी ऐसे ही स्वागत हुआ था और इस बार भी ऐसे ही हो रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है और यही लोगों का प्यार है जो हमें इतना अच्छा खेल रहे हैं। जरूर सर, तैयारी सर फुल रहेगी सर, कोई भी ओलंपिक में आता है तो अपना फुल देने के लिए आता है सर, होपफुली कि अगली बार 100% देगी। अमृतसर पहुंचने के बाद पूरी टीम श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर पहुंची और जीत के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। सभी खिलाड़ियों ने स्वर्ण मंदिर में अरदास की और माथा टेका। मंदिर में सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और देश को जीत दिलाने के लिए बधाइयां दी गईं। इसी के साथ ही पंजाब सरकार ने भी बड़ी घोषणाएं करते हुए भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों को सम्मानित किया। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे हॉकी टीम के प्लेयर जिन्होंने ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ये कांसी का तमगा लेकर आए हैं, तो पंजाब सरकार की ओर से हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं वो इज़ लवर ऑफ गेम्स, सो उन्होंने ये जो है गेम्स को प्रमोट करने के लिए पंजाब में बहुत अच्छा काम किया है और साथ में जो भी ये प्लेयर्स हैं उनके लिए 1-1 करोड़ की राशि उनको सम्मान के तौर पर देने का फैसला किया है। सो मैं समझता हूँ कि आज का दिन पूरे हमारे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि हमारे अमृतसर के जो प्लेयर्स हैं और पंजाब के लिए और पूरे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जो पंजाब का नाम बदनाम करते हैं उनके लिए एक मैसेज है जो कहते हैं कि पंजाब की नौजवान नशे में है, देखिए कितना बड़ा अवसर है। देखिए ये जो बदनाम करने की बात है ये तो है, पंजाब में ये नारकोटिक टेररिज्म, क्योंकि हमारी बॉर्डर स्टेट है, देश के उस तरफ से बहुत से वो ड्रोन्स आते हैं, ऐसे कुछ नशे पकड़े जाते हैं, कुछ ऐसे चलता है, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं जो खिलाड़ी हैं पंजाब के वो ऐसे ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे जाकर इतनी इतनी बड़े जो तमगे हैं वो भी लेकर आते हैं। सो हमारे नौजवानों पर हमें मान है, नाज है कि वो बहुत अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। पंजाब की तरफ से अभी तैयारी की जाएगी, वो गोल्ड लेके आए। हाँ देखो, ये तो हम चाहते ही हैं, कोई भी देश चाहेगा तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हम ओलंपिक में हमारे जो जो खिलाड़ी हैं वो गोल्ड लेकर आए। Oh, oh, oh.